उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है और 3 जुलाई को फल्गु नदी उदेरा स्थान से छरियारी के पास जमुना नदी तक विशाल किसान जन संघर्ष पद यात्रा का आयोजन किया गया है। किसान को लेकर जो मुद्दा उठा रहे हैं क्या है और किस तरह की तैयारी है, क्या प्रोग्राम है आप लोग का, क्या मामला है पूरा? मामला है कि उदेरा स्थान बराज है फल्गु नदी पर और इधर जमुना नदी पर 5 योजना है, सिंचाई योजना। सोलहंडा में बांध लगने के बाद नीचे पानी नहीं आता है क्योंकि बरसाती नदी भी है और पानी की आमदनी कम है। सरकार ने पॉलिसी बनाया है कि बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ देना है और छोटी नदी पर जो योजना है उसको क्रियान्वित करना है, खेत तक पानी पहुंचाना है, किसान की खुशहाली को बढ़ाना है। उसी उद्देश्य से 2007 में मैं लिखा था सरकार के पास कि फल्गु नदी से जमुना नदी को जोड़ दिया जाए, छरियारी में ला के मिला दिया जाए ताकि छरियारी, सुगांव, कनक बीघा और बेरा पटना जिला का ये सबसे जो किसान लाभान्वित होने वाले हैं उसको लाभ मिले, खेत तक पानी पहुँचे, परंतु अभी तक कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग ने निर्णय लिया कि अब लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि अधिकार अगर प्राप्त करना है तो संघर्ष करो, जेल मौत से मत डरो। उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है और 3 जुलाई को फल्गु नदी उदेरा स्थान से छरियारी के पास जमुना नदी तक विशाल किसान जन संघर्ष पद यात्रा का आयोजन किया गया है और पब्लिक के अपार जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि किसान उपयोगी योजना है और किसान देश की रीढ़ है, किसान अन्नदाता है, किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, तो बहुत समर्थन मिल रहा है हमको और उसी को लोग पदयात्रा करेंगे और छरियारी गेट के पास मैदान में हम लोग आम सभा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि चाहे जो मजबूरी हो, किसान की मांगे पूरी हो, उदेरा स्थान से छरियारी जमुना नदी तक नदी से नदी को जोड़ दिया जाए और किसानों को पानी दिया जाए।